हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। ट्रेडिशनल पहाड़ी ब्लॉग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हमें नए ब्लॉग की भी शुरुआत कर रही हूँ मैं। हम लोग कल शाम को पहुँच गए थे घर, तो हमारी दिनचर्या शुरू हो। नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं अपनी ड्यूटी के लिए। बस खाना रोटी बनानी है, मैंने भात दाल सब्जी बन चुकी है। कल मैं आप वहाँ से बहुत सारे पौधे लाई थी, तो इन पौधों को आज शाम को मैंने गमलों में लगाना है। ये है गेंदा और एक ये गुलाब है और वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ गजेनिया, बोनसाई भी है। हाँ गजेनिया है, बोनसाई वगैरह भी मैं लाई हुई हूँ। तो आज शाम को हम इसको वो करेंगे। और रिबेका पता नहीं कहाँ से आ रही, उस स्नैक प्लांट भी मैं लाई हूँ, उनको भी मैंने गमलों में लगाना है क्योंकि बहुत सारे गमले हमारे खाली हैं। एक ये लिया था बॉम्बो प्लांट, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब देखते हैं कि केक कितना ग्रो करता है या नहीं करता है। और एक एक घास भी ले रही है, इसको भी मैंने लगाना है। ये कुहू ने अपने लिए ले रखा है, तो अभी तो हमने स्टेबल में रखा है। कुहू कुहू का प्लांट भी मैंने चेंज करना है। ये सब्जी लाए थे हम इतनी सारी, पिथौरागढ़ में पॉलीथीन बैन है लेकिन अन्य जगह चली नहीं है, तो इन सब्जियों को मैंने धो के रखना है, ये लगाना है। कल रात हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इनको सब साफ करके अभी मैं लगा के जाऊँगी। दूसरी तरफ मेरे बाजरे का आटा तैयार है और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए बाजरे की रोटियाँ। ये लोई मैंने बना दी है, अब मैं बनाती हूँ रोटी। इंतजार करते हैं ये माला, बोले छुन्नू मुन्नू ले 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 आजा। ये हम आगे घर, तो रिबेका की अलग हो रही है बेचैनी। हेलो लूलू, मेरी बैकू, मेरी बैकू, पेपू आजा, आजा पेपू, आजा आजा बच्चा। पेपर नहीं आ रहा है अभी, पता नहीं क्यों नहीं। अलमा फलमा ले है आलम, ये देखो ये हमारा पेपर, पेपू ये है पेपर, पेपर पेपर पिटू का दोस्त की, इसको पिटू को लो, आजा आजा, हैंडशेक पेपू, हैंडशेक। कोई मन नहीं है पेपर की, अभी कुछ नहीं करने वाला वो। अब लगाती हूँ मैं पौधे, जो फूल के पौधे लाई हूँ। ये गोबर लाई मैं, और इसमें देखिए बहुत सारे केचुए हैं। केचुए यानी किसानों का मित्र, जो विज्ञान की भाषा में एनिलीड्स कहलाते हैं। एनिलीड, इसका फाइलम एनिलीडा होता है। ये गोबर को खाते हैं और फिर मुँह से गोली करके बाहर निकालते हैं, यानी मिट्टी को इतना हल्का कर देते हैं ये कि इसमें इस पौधों की जड़ों में जो आसानी से ऑक्सीजन चले जाए, बहुत उर्वरा कर देते हैं खेत को। उर्वरा मीन्स कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती है। तो इस मिट्टी में इनको मिला के, खाद के साथ इनको मिला के मैं गमले तैयार करती हूँ, फिर लगाती हूँ मैं पौधे। ये गुलाब में मैंने लगाया इंडोर, सॉरी आउटडोर प्लांट, और एक गेंदा भी लगाया आउटडोर। मैंने पौधे लगाने हैं, मिट्टी है, अभी मुझे टाइम हो गया है घर के जाने का। और यहाँ पे मैंने लगाए हैं इंडोर प्लांट्स, ये स्नैक प्लांट है, ये दूसरे टाइप वाला है, और ये मैंने इंडोर प्लांट लगा रखे हैं। आज इसको अभी थोड़ी देर में मैं अंदर रख दूंगी क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं बाहर। पौधे लगाने का तो बहुत शौक है और देखकर पौधे अच्छे भी लगते हैं। ये होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, इनको भी पूरी देखभाल चाहिए ना, अगर देखभाल नहीं हुई तो ये पौधे नहीं हो पाते हैं। तो देखते हैं कि कितने दिन चलते हैं ये पौधे, वैसे इंडोर प्लांट काफ़ी चल जाते हैं। तो अब जाती हूँ घर के, फिर थोड़ी देर में मैंने पौधों में डालना है पानी, फिर मैं इनको पानी दूंगी। तो अब चलते हैं घर के, सीधे मिलते हैं आपको घर के, मैं दिखाती हूँ गौरी और गंगा। पहुँच गई हूँ मैं अपने घर का, अब लगाती हूँ मैं हाथ यानी दूध निकालती हूँ। अभी गिर गई थी, उड़ गई है मेरी गंगा, ये मेरी गंगू उड़ गई है, और गौरी सोई हुई है, उसको पता है कि दूध निकालना है, तो अब मैं उसका निकालती हूँ दूध। गंगा, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और हम आए हैं पानी भरने, पानी नहीं था तो हम आए हैं, कुहू और मैं आए हैं उल्कना में पानी भरने के लिए। क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाया आज, पानी सुबह नहीं आए। ले पकड़ क्या, इसको भी पकड़ना, यहाँ पर बाहर बारे के निदारों से पानी जो हूँ बोलेना, तो इसी सुनकर भगवान जी के दरबार में दीपक जला दिया गया है। मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पर हम बन रहे हैं पानी, अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर दो धारे हैं, एक है ये, एक है ये, दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है।
मम्मी पानी भर दिए हैं, इस अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। और ये है भोलेनाथ, और ऊपर यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। यहाँ पर पेड़ लगा रखे हैं, और ये जो पानी बहते रहता है दिन भर यहाँ का, भर दिया है पानी। तू दो पकड़ेगी, दो मैं पकड़ूंगी। अंधेरा हो गया, लेकिन हम लोग पानी भरने आए हैं, और भी लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं। अब हम चले, यहाँ से उड़ा 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर कहाँ से आ रहा है दूर? 1 किलोमीटर ही तो है, कम होगा। माइल स्टोन में लिखा है। अच्छा, वो पुलिस चौकी के पास होता है शायद 1 किलोमीटर, नहीं तो। हम आ गए हैं पानी भर के घर। अगर हम प्लेन्स में होते ना तो ऐसा नहीं होता, फिर हमें बिस्लेरी या कुछ ऐसा पानी खरीदना पड़ता। लेकिन हम लाए हैं नेचुरल पानी, बिल्कुल स्रोत धारा ना बगने वाला पानी घर। और मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे बड़ी संपदा होती है जल। जल सबसे बड़ी संपदा है। अगर निःशुल्क मिलता है, दारू में मिल रहा है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर पैसे डालकर हम देते हैं, जैसे कहीं जाते हैं खरीदते हैं, तो कितना महंगा है पानी। बिना जल के जीवन नहीं है, तो इसके हमें बचाने के प्रयत्न भी करने चाहिए। जल है तो कल है। 2000 हम भर के लाए टोटली, 3000 और एक और नीचे पप्पू भैया का गेलन। तो आप करते हैं शाम की पूजा पाठ। आपने मार्केट में लेमिनेशन करा रखा होगा, ये देखो कुकी पापा की निंजा टेक्निक। घर में ही कार्ड करा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड का लेमिनेशन किया जा रहा है टेप से। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लेमिनेट कर रहे कू का। और रिव्या का भी अपनी दृष्टि को वहां पर गड़ाए हुए है, जैसे फड़फड़ हो रही। तो फोटो नहीं है, फोटो कोई बात नहीं। मतलब कुहू के लिए इतना एक्स्ट्रा टाइम कुहू के पापा दे रहे हैं, कुहू के एजुकेशन पे, मतलब कि शिक्षा पे इतने सजग हैं। उसकी मार्कशीट पे कुहू ने कहा कि लेमिनेट कराना है, तो उन्होंने घर में ही टेप लाके लेमिनेट करा दिया। मानना पड़ेगा, एक लाइक तो बनता है इसके लिए।